तो देखिए चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जाती है। देवी पुराण के अनुसार देवी दुर्गा के तृतीय स्वरूप को चंद्र घंटा कहा जाता है और देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अंध्र चंद्र सुशोभित है। माँ चंद्र घंटा को शांति व कल्याण का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें कि मान्यता है कि माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति का प्राप्त होती है और उसकी प्राप्ति होती है। और आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन जिस दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना फिलहाल की जा रही है। मंदिरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है और भक्तों के जयकारों से मंदिर फिलहाल गूंज रहे हैं। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन और माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना फिलहाल की जा रही है। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए चैत्र नवरात्रि में खासा मान्यता होती है, भक्त उपवास रखते हैं और माँ को जल अर्पित करते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं और तमाम मनोकामनाएं मांगते हैं। तो माता के दरबार की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। देखिए हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी थानेश्वर का। थानेश्वर, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही हैं? देखिए इस समय हम हैं माता मनसा देवी मंदिर में। जी हाँ, माता मनसा देवी मंदिर लगभग 200 साल पुराना मंदिर है। महाराजा पंचकुला के महाराजा गोपाल दास ने यह मंदिर बनवाया था। इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में आता है माता के दर्शन को खाली नहीं जाता। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें यहाँ लगी हुई हैं। देश के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन का भी पुख्ता प्रबंध किया गया है। आप कहाँ से दर्शन करने के लिए आए? पानीपत। कहाँ से आए? पानीपत से। पहले भी कभी आए हैं? नहीं, आज आए। आप कहाँ से आए? जय माता दी, पंचकुला से आए हम। पहले भी मंदिर में आते? बहुत पहले आए थे, अब आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आए? पंचकुला से। पहले भी कभी मंदिर आए? हाँ जी। कैसा लगता है, वहाँ की हर मुराद पूरी होती है? हाँ जी। देखा आपने, जैसा दर्शकों का कहना है कि हम मनसा देवी मंदिर में है। माँ मनसा, जिसका नाम ही माँ मनसा है, मन में जो भी मुरादें है वो सब पूरी हो जाती है। लोग देश के कोने कोने से यहाँ माता की से अपनी मुराद पाने के लिए आते हैं। जी जी थानेश्वर, थानेश्वर आप बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ मैं हरिद्वार का रुख करूंगी जहां से मयंक वर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मयंक, थानेश्वर अभी चंडीगढ़ से बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर भक्तों की भारी भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती थी। फिलहाल हरिद्वार में क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल साक्षी, देखिए हरिद्वार की अगर हम बात करें तो तमाम जितने बड़े मंदिर है, चाहे वो माँ मनसा देवी का हो चाहे चंडी देवी का हो, वहाँ काफी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। बाकी जितने भी माता के मंदिर हैं उनमें भी लगातार भक्तों का आना शुरू है, माँ को जल अर्पित करना, क्योंकि आज तीसरा नवरात्रा है। माँ चंद्र घंटा की रूप की पूजा आज की जाती है। जो माँ चंद्र घंटा है वो माँ पार्वती का रौद्र रूप है लेकिन शांति का प्रतीक भी है, क्योंकि जो उनके मस्तक पर चंद्र का निशान है वो काफी सुशोभित है। तो उससे जो माँ चंद्र घंटा है वो शांति का प्रतीक है और तमाम जितने मतलब मंदिर है श्रद्धालु है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं लगातार और माँ चंद्र घंटा के रूप की पूजा की जा रही है। जी साक्षी। जी मयंक, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ मैं सम्राट सिंह का रुख करना चाहूंगी जो कि हमारे सहयोगी हैं और आगर मालवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सम्राट, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल मयंक दिखा रहे थे किस तरीके से आज माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जा रही है, फिलहाल वहां पर भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है आपको? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस मंदिर पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं और आज हमारे साथ इसी को लेकर हम यहाँ मंदिर के मुख्य पुजारी जो हमारे साथ मौजूद हैं, क्या विशेषता है मंदिर के बारे में? पांडव गणेश मंदिर पांडव ने बगला मुख्य मंदिर है, उसके आसपास
सम्राट आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ मुंबई से प्रीति भी लगातार बनी हुई है। मैं रुक करूंगी प्रीति का। प्रीति, क्या कुछ तस्वीरें मुंबई में फिलहाल, भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है मुंबई में? बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो महाराष्ट्र की जो खासियत है वो आपको बताना चाहती हूँ। नवी मुंबई में पूजा देवी की एक मंदिर है, पूजा भवानी की एक मंदिर है, बहुत ही ज्यादा खासियत है इस मंदिर की। आपको बताती हूँ यहाँ पे हमारे पास एक शिवाजी की मूर्ति है। प्रीति आप बने रहिए हमारे साथ, मैं रुक करूंगी थानेश्वर का, जो कि लगातार चंडीगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। और थानेश्वर, आपके आसपास कुछ भक्त होंगे तो जरूर एक बार उनसे पूछिए कि क्या कुछ मनोकामना लेकर आज माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना करने के लिए वो मंदिर में आए हैं। देखिए बिल्कुल, यहाँ माता मनसा देवी मंदिर के हम हैं, यहाँ भक्त दूर दूर से आए हुए हैं और भक्त माता से अपनी कोई ना कोई मुराद लेकर आते हैं। आप माता से क्या मुराद मांग रहे हैं? ये हम पेपर पास हो जाए। देखिए ये बच्चा हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से मांगने आता है, ये बच्चा माँ से ये मुराद मांगने आया कि वो पास हो जाए। आप माता से क्या मुराद मांग रहे हैं? माता सबको सुख शांति दे, सब घरों में बरकत दे माता नानी। देखिए सब अपनी अपनी मुराद मांगने आते हैं, हमारे साथ और भी कई भक्त हैं। आप कहाँ से आए? मैं पिंजौर शहर से आई। आप क्या मुराद मांगने आए हैं माता से? मैं जो मुराद मांगी थी पूरी होगी। ये वो भक्त है जिनकी मुराद पूरी हुई है, माता का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। आप कहाँ से आए? पंचकुला से। आप क्या मुराद मांगने आए हैं? बताते नहीं है। ये मुराद, कोई भक्त ऐसे भी हैं जो माता से मुराद मांगने नहीं आए, केवल माता का दर्शन करने आए हैं, क्योंकि माता अक्सर कहती है कि हर बार मांगने आते हो कभी मिलने भी आया करो। ये ऐसे भक्त है जो माता से मिलने आए हुए हैं। हमारे साथ और भी भक्त हैं। आप कहाँ से आए हो? आप क्या मुराद मांगने आए? तो देखिए भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है, हर कौम के जाति के भक्त यहाँ आ रहे हैं। अब हम आपको प्रयास करते हैं कि माँ मनसा के आपको दर्शन भी करवा दें अपने भक्तों को। जिस तरीके से यहाँ लंबी लाइनें लगी हुई हैं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं और माता मनसा के दर्शन करने के लिए आते हैं। हम अपने दर्शकों को माँ मनसा देवी के दर्शन करवाते हैं। ये वो अलौकिक दर्शन है जिनके माता के दुर्लभ दर्शन है, जिसके दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। आप देख रहे हैं यही वो मूर्ति है जो आज से लगभग 225 साल पहले पंचकुला के महाराजा गोपाल दास ने यहाँ स्थापित करवाई थी। 200 साल से भी 225 साल पुराना ये मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में आकर जो भी मुराद मांगी जाती है हर पूरी मुराद पूरी होती है। क्योंकि चैत्र नवरात्रों का मेला चल रहा है, मेले के कारण यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, देश के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं और सुरक्षा के भी पूरे प्रबंध किए गए हैं। जी जी थानेश्वर, एक बार आप दिखा पाएंगे कि सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि पुलिस भी वहां पर दिखाई दे रही है, जो कि भक्तों को मैनेज करती हुई दिखाई दे रही है। जी मैं अभी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि पुलिस व्यवस्था यहाँ पे बहुत सुचारू रूप से की गई है, मंदिर की तरफ से भी व्यवस्था की गई है, मंदिर के गार्ड भी हैं जो व्यवस्था कर रहे हैं और हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस, चूंकि ये जो मंदिर है ये हरियाणा और चंडीगढ़ दोनों की सीमा पर है, इसलिए हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस दोनों यहाँ लगती है। IPS रैंक के एक ऑफिसर को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है मेले के अंदर, वो ही पूरी पुलिस व्यवस्था मैनेज करते हैं। आप देख रहे हैं कि भारी पुलिस दल बल यहाँ लगाए गए हैं पूरे मंदिर में, चूंकि 100 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर है। मंदिर के कोने कोने में आप पुलिस के कर्मचारी देखेंगे जो व्यवस्था को सुचारू रूप से करवाते हैं, किसी भी दर्शक आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी ना हो, कुछ भी दिक्कत ना हो। हर तरफ से बुजुर्गों के लिए अलग रास्ते बनाए गए हैं और जो युवा हैं उनके लिए अलग रास्ते बनाए गए हैं। हर व्यक्ति की सुविधा के अनुसार ही यहाँ पर रास्ते की व्यवस्था की गई है और पुलिस का बहुत ही पुख्ता प्रबंध किया गया है। 5 बजे से यहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और पूरी व्यवस्था संभाल लेते हैं। जी बिल्कुल थानेश्वर, पुलिस के ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जैसे जैसे लोगों के त्योहार आते हैं। और लगातार मयंक भी हमारे साथ बने हुए हैं। मयंक, हरिद्वार की तस्वीरें मैं आपसे एक बार चाहूंगी कि आप दर्शकों को दिखाएं और क्या कुछ हरिद्वार में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रि की मान्यता काफी ज्यादा होती है और भक्त काफी दूर दूर से मान्यता प्राप्त मंदिरों के दर्शन पूजन के लिए आते हैं। बिल्कुल साक्षी, देखिए दूर दूर से हरिद्वार भी इस समय लोग आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अगले महीने से यहाँ पर चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, तो उसके मद्देनजर भी जो है सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर पुख्ता किए गए हैं। लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहूंगा इस समय अपने दर्शकों से, क्योंकि मैं इस समय जिस माँ भगवती के मंदिर में खड़ा हूँ वहां पर लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो काफी भीड़ तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कल हम अपने दर्शकों को माँ चंडी देवी के अपने हरिद्वार से दर्शन कराएंगे और जो इंतजाम आते हैं और माँ जो चंद्र घंटा की अगर हम बात करें, माँ चंद्र घंटा का जो रूप है उसकी जो पूजा होती है तो ये बड़ी फलदायी पूजा मानी जाती है और माँ चंद्र घंटा से आज जो सच्चे मन से भक्त अपनी मुराद मांगता है वो पूरी की जाती है। और हरिद्वार, क्योंकि देखिए हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है,
जहाँ पर माँ मनसा देवी है, माँ चंडी देवी, और साक्षात माँ जो इस समय कलयुग के अंदर हम बात करें तो साक्षात माँ गंगा प्रवाहित होती है, जहाँ से पूरे चार धाम यात्रा की अगर हम बात करें तो गंगा सागर तक माँ गंगा जाती है। तो माँ गंगा की जो महिमा है वो अपरंपार है, और हरिद्वार के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ माँ गंगा की आराधना करके ही सारी सुख शांति यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। जी साक्षी जी, मयंका बने रही हमारे साथ, लगातार हमारे साथ सम्राट सिंह आगर मालवा से जुड़े हुए हैं। सम्राट, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास काफी लोग मौजूद हैं, खासतौर पर पुजारी जी भी मौजूद हैं, तो एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप उनसे पूछिए कि क्या कुछ जो घर बैठे हमारे दर्शक हैं वो कर सकते हैं माँ चंद्र घंटा को प्रसन्न करने के लिए आज। देखिये, मैं आपको जी थानेश्वर, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार मैं थानेश्वर का रुख फिर से करूंगी, जो कि चंडीगढ़ से लगातार हमारे साथ बने हुए मनसा देवी मंदिर की तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। थानेश्वर, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप भक्तों की तस्वीरें दिखाएं और किस कदर माँ की पूजा अर्चना का दौर लगातार चंडीगढ़ से मनसा देवी मंदिर में लगातार जारी है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भक्त यहाँ पर लगातार लाइनें बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ कुछ महिला भक्त भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? पंचकुला से। देखिए, आप कहाँ से आए? पंचकुला। पहले भी कभी मंदिर आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, रेगुलर आते हैं। बिल्कुल जी, ये माता का नाम ही मनसा देवी है, मरावदेपुरी करने वाला। देखिए, जैसा कि आपको सभी भक्त एक ही बात कह रहे हैं कि माता का नाम ही मनसा देवी है। मनसा देवी जो मन की बात जान ले, जो हमारे मन की बात जान लेती है, उसे माँ मनसा कहा जाता है। माँ मनसा के इस मंदिर के अंदर दूर दूर से लोग आ रहे हैं और कहते हैं कि जो मुरादे यहाँ मांग के जाते हैं, कहा जाता है कि इस मंदिर की परिधि में आकर अगर आप माँ मनसा से किसी मांग के लिए डिमांड करते हैं तो माँ मनसा हर हाल में वो मांग पूरी करती है। एक मान्यता है कि इस दरबार पर जो सच्चे मन से आता है उसकी माँ मनसा कभी मुराद खाली नहीं करती। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, पुलिस व्यवस्था सुचारू रूप से, भक्त कोई भी भक्त जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन सब माँ मनसा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। माँ मनसा का आराम से सब दर्शन कर रहे हैं और माँ मनसा से मुराद पा रहे हैं। भक्तों का एक ही बात कहनी है कि माँ मनसा के दर पर जब आए हैं तो आराम से दर्शन करें, किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग भी अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली से आए हैं। क्या मुराद लेके आए हैं? बारहवीं पास हो जाए हम। देखिए, बच्चे जो हैं वो बारहवीं पास होने की मुराद लेके आए हैं। आप माता जी हैं, घर की मुखी हैं, आप क्या मुराद लेके आई हैं? मैं गोड़ों का दर्द मिटवाना आई हूँ माता रानी से। देखिए, कोई पास होने के लिए माता रानी के पास आया तो कोई अपने घुटनों का दर्द खत्म करवाने के लिए माता रानी के दर पे आई है। माता का दरबार ही है जिस पर हर मुराद पूरी होती है। यही मान्यता है कि कोई घुटनों का दर्द दूर हो रहा है, कोई बच्चा पास होने के लिए आ रहा है, कोई घर में सुख शांति के लिए आ रहा है, तो घर में बरकत लेके बरकत के लिए आ रहा है। लोग दूर दूर से और अलग अलग मुरादे लेकर आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? माता रानी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे, दुख दर्दों का नाश करे, और हर साल हमें दरबार पे हंसते फूलते बुलाती रहे। पहले भी आप आई हैं? हाँ जी, हर साल माता रानी बुलाते। मुराद पूरी हुई है? हाँ जी, हमने जो मांगा सब पाया। देखिए, यहाँ पर सारे भक्त यही हैं। आप कहाँ से आए हैं? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से पहले भी मंदिर में आए हैं? नहीं, पहले बार आए। कैसा लगा मंदिर में आकर? बहुत बढ़िया लगा। माता के दर्शन हुए? हाँ जी, हुए। देखिए, हमारे साथ पुलिस व्यवस्था जो मंदिर व्यवस्था है उसको मैनेज कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरीके से, कितने जवान हैं जो पुलिस के जो पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं, हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आप हरियाणा पुलिस की तरफ से? हाँ सर, हरियाणा। कितने जवान लगे हुए हैं यहाँ पे? तकरीबन है 200-300 तो है कम से कम, और भी लगा रखी है एक्स्ट्रा फोर्स, रिजर्व में रख रखी है फोर्स को। तो क्या जो जवान लगे होते हैं उनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, किस तरह होती है? नहीं सर, 12-12 घंटे की शिफ्ट बना रखी है। देखिए, इन्होंने बताया कि 200 से अधिक हरियाणा पुलिस के जवान जो है मंदिर की सुरक्षा में भक्तों की सुविधा के लिए लगे हुए हैं और 12-12 घंटे की सभी की शिफ्ट लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस के जवान और मंदिर व्यवस्था के जवान भक्तों को बड़े प्यार से किस रास्ते से जाना है, कैसे जाना है, इस सब बारे में उन्हें समझा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो। पुलिस के और सभी जवानों का एक ही कहना है कि माता के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसीलिए मंदिर व्यवस्था ने जो है मैनेजमेंट कमेटी ने बहुत ही पुख्ता व्यवस्था की हुई है। जी, अपनी मनोकामना लेकर माँ के दर पर आए और काफी दूर से आए हैं, इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी अलग अलग जगहों पर पुख्ता इंतजाम किए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां देने